एकदम से चिल्लाएंगे यार, लोगों का वो रिएक्शन देखेंगे। पैसा ही पैसा होगा, सीधे डोसे वाले के मुंह में ही बहन कर लिया। यहाँ देखो बाहर है बिल्कुल बालकनी और हम सो रहे हैं यहाँ बालकनी में। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। और आज की वीडियो जो है बहुत ही खतरनाक होने वाली है, और क्यों होगी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आज हम जा रहे हैं भाई देहरादून, वो भी कहाँ शादी में। आप सोच सकते हो कितनी खतरनाक मजा आएगी आज रात को देखना। और अभी पीछे जो है हमारे ढोल बज रहे हैं शादी है, वहाँ किसी की हम पता नहीं, हम ऐसे नाच रहे हैं। और गाइस आज हम जाएंगे शादी में, तो देखना कितनी खतरनाक ये वीडियो होने वाली है। और आपको शादी में जो मजा आएगा ना अभी देखना वीडियो में, खतरनाक हमें तो आएगा, आपको हमसे भी ज़्यादा आएगा वीडियो में देखना अभी। और हम जाएंगे आज आंसू विमल और पापा मम्मी लोग, और हमारी कॉमेडी तो हमेशा होती रहेगी, और हम जाएंगे शादी में। तो गाइस चलते हैं, अब हम तैयार होते हैं और वीडियो को एंड तक देखना, जो मजा आएगी ना आपको, हम कुछ कह ही नहीं सकते उस बारे में। और वीडियो को एंड तक देखना, और अब मैं जाता हूँ थोड़ा सा कपड़े कपड़े पहनने और सीधे निकलेंगे अब देहरादून। ओके इधर गाइस, धीरे धीरे करके हमारे पीछे गाड़ी आ रही है, बा 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 बा, और पीछे मत ला दियो, कहीं पीछे लाएगा तो यहाँ सीधा बुक गाड़ी गई। कई बार जा रखे हैं गाइस, गाड़ी दिखाऊंगा मैं आपको कई सारी। और हाँ गाइस, जब भी कहीं जाते हो तो चार्जर हमेशा याद रख दिया करो, क्योंकि चार्जर एक ऐसी चीज़ होती है ना, अगर नहीं मिला, अब तो खैर सारे टाइप सी वाले हैं पर जो पुराने अभी तक हुए वाले हैं ना, तो उनको चार्जर नहीं मिलता है। और भाई मैं टोपी हटा दी क्योंकि बड़ा अजब लग रहा था मैं। चलिए गाइस चलते हैं, और यहाँ पर विमल भाई आ चुके हैं हमारे साथ। हेलो भाई जी, बस बढ़िया, लाइक करो सब्सक्राइब। हाँ अब हम चलते हैं, ये गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पर, और पीछे हमारे साथ नानी मम्मी विमल। ये फोटो तो ना खींच रहा मम्मी, ऐसे पोज मार रही जैसे फोटो खींच रहा हूँ। लड़ी वाला मकान मिला, लड़ी होगी वहीं होगी शादी। ये रहा मकान, पहुंच गए भाई। पिछवाड़ों की हालत कैसी हुई? अरे मैं पत्थर बन गए। अबे भाई साहब मेरा पाओ बेटा सो गया भाई। ओ भाई साहब हमारे पास टिक्के लग गए, शादी की पहचान टिक्का। पैसा ही पैसा होगा। क्या निकला। एंड गाइस जी होता है आप भी जानते होंगे इसको, ये पहाड़ी ढोल बोलते हैं जिसको, ये बहुत मेन फंक्शन होता है इसका शादी में, सबको कंट्रोल यही करते हैं नाचते समय, और इसी के हिसाब से सब नाचते हैं। बहुत खतरनाक चीज़ है ये, इसको बजाने में भी बहुत जान लगती है, खतरनाक भयंकर की। गाइस इसका मूड हो चुका है बल शांत एकदम, क्या हो गया? थक लग गई तो भयंकर, तुम नहा के आते ना यहाँ, बिना नहाए आओगे तो ऐसी तो होगा। दो बार नहा गया भाई, दो बार नहा गया। अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ क्योंकि अंदर कुछ नहीं हो रहा, फालतू जाके भी क्या करना, अभी बाहर चलते हैं जरा। देख सकते हैं हमारे जो पीछे है वो हाईवे है, देख सकते हो दिल्ली कितने किलोमीटर है, 20 किलोमीटर नहीं, यह है 221 किलोमीटर, एक हट रखा है। ये और ये पता बता रहे हैं जो अभी आए इधर, ये यहाँ पर ये है क्या बोलते हैं इसको, मेरे को खुद नहीं था पता, और मैं कुआ फोन में बात करके पता बता रहा लोगों को। आज मैं अभी यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा था, गाड़ी वाला आया भक्कर के साइड से निकल गया बैंक करके। और अभी हम जा रहे हैं वापस से, ये बहुत बड़ा गेम होता है गाइस यहाँ से बाहर निकलने का। हेलो अरे रुक जा, अब जैसे ही हम सोचते हैं कि हम जाएँ वैसी दूसरी गाड़ी आ जाती है। चल 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 भाग जा। एंड गाइस अब हम करते हैं यहाँ से अंदर शादी को एंटर, और यहाँ अंदर है भाई शादी, और हम वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि भयंकर गाने बजा रहे, कॉपीराइट वाला, नॉन कॉपीराइट गाने बजाओ ना डीजे में, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं अभी। यहाँ पे कॉफी हमारे बन रही है भाई, हमें मिल चुकी है कॉफी, और इसके ऊपर से हमने डाला है छप्पक। ये भाई साहब हमारे ओवरलोड हो चुके थे, इन्होंने कॉफी गिरा दी कपड़े में। हाँ भाई बरातियों क्या हाल है तुम्हारे? एकदम से चिल्लाएंगे यार, लोगों का वो रिएक्शन देखेंगे। डीजे ने एक आवाज क्या मारी, खाना शुरू हो गया, सब भागे बैंकर के यहाँ से उठ के। और मम्मी की स्माइल देखो, दूर से ही मम्मी स्माइल दे रही है। तो गाइस शादियों की सबसे खतरनाक दुविधा यहाँ पे लाइन में लेना, इसको बड़ी मुश्किल से मिल गया। लाइयो भाई विमल भाई दादी, गाइस हम पूरा ओवरलोड हो के खाना पीना खा के आ चुके हैं इधर की तरफ। और भाई साहब आज जो हमें कांड किए ना खाते हुए, ये क्या डोसा लेने ऐसे थी प्लेट, और वजन थोड़ा ज्यादा पड़ा, इधर की तरफ दाल पड़ी, इधर की तरफ डोसा पड़ा, दाल डोसे वाली तारीख को क्या बोलते हैं सांभर पड़ा। अरे ये बिल्कुल ऐसे करके प्लेट फेंच करके वहीं पे सीधे डोसे वाले के मुंह में ही बहन कर लीजिए। चल यार, अबे यार चल, अबे यार थक लग रही क्या यार? गाइस यार वो तो बैठ चुके गाड़ी में, अभी हमने निर्णय लिया है कि विमल और मैं जाएंगे और वहाँ पे
हम अपना शुरू करेंगे अपना कॉमेडी प्रोग्राम, चलते हैं उधर ही चलते हैं सीधा। एंड गाइस विमल और मैं जो है नाच नाच के आ चुके हैं और आप सोच सकते हैं हमारा गला फट चुका है, हमारी आवाज नहीं निकल रही भयंकर की, इतना चिल्लाया मतलब डीजे में विमल से पूछो कितना नाचे भाई हम भयंकर ने। अरे भाई मजा आ गया बहुत। विमल ये आज तो खैर यहीं बैठा हुआ था, हमने बोला भी था इसको चल ले चल ले, पर ये चला ही नहीं क्या करें, पर हम तो भाई मजे करके आ गए आज भयंकर यार। अब सीधे जाएंगे सोने के लिए, जैसे मैं ऐसे करके बोल रहा ना आधी हवा तो सांस ही में निकल रही भयंकर की। यहाँ पे नौतन दिखाने वालों के लिए ना प्रसाद था रख रखा, मगर हम इसको खा देंगे। सोने के लिए कमरा ढूंढ रहा है हम, कहाँ मिलता है कमरा आज सोने के लिए, वाला कमरा ढूंढ में जाकर मजा आ जाएगी नहीं। गाइस हमें कमरा मिल चुका है और अभी मैं चार्जर लेने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि फोन भी चार्ज होना चाहिए, मुझे तो भाई एडिटिंग करनी पड़ेगी इसलिए मेरे को चार्जर तो लगाना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। एंड गाइस देख सकते हो मेरे को मिल चुका है चार्जर चुर्जर, गाड़ी से मैंने ले लिया, गाड़ी लॉक करता हूँ पहले मैं और कमरा दिखाएंगे आपको। सबसे पहले तो होम टूर देंगे आज की रात का, यहाँ ताल लग गया गाइस, ओ खुल गया, मैंने सोचा मैं बाहर ही रहता हूँ आज। तो गाइस अभी का होम टूर कुछ इस तरीके का है ना कि भाई साहब कोई ऐसी जगह में रहता ही नहीं होगा, रहते भी होंगे तो बहुत कम लोग रहते होंगे। अब सोचो हम कहाँ रह रहे हैं, यहाँ देखो बाहर है बिल्कुल बालकनी और हम सो रहे हैं यहाँ बालकनी में, देख सकते हो कितना खतरनाक भाई साहब, गद्दा भी यहीं पे लगा रखा हमने और विमल और मैं सोएंगे नीचे में, डांस भी हमने साथ में किया था, सोएंगे भी हम साथ में। लोगों की छत दिख रही है, सुबह जब उठेंगे ना लोग तब हमें देखेंगे यहाँ पे पड़े, मजा आएगा भाई जब सुबह उठेंगे ना, सुबह का फील देखा विमल जो होगा ना तेरा, देखो भयंकर में यहाँ कैसे आ गया भाई, यहाँ वो छोड़ तू जब धूप पड़ेगी ना मुंह पे तू बोलेगा मैं कैसे आ गया, जैसे तो कंबल से उठाएगा मैं यहाँ कहाँ से आ गया। एक मिनट के लिए सोचता है कोई, यहाँ पीछे गाइस वो है रेलवे स्टेशन इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। एंड गाइस हमारा सोने का तो टाइम हो चुका है बट हमारा सोने का मन नहीं कर रहा है और हम इसलिए यहाँ पर डांस करने में लग रहे हैं, सब लोग सो रखे हैं इसलिए हम धीमे धीमे बोल रहे हैं। और यहाँ पर गाइस देख सकते हैं हाईवे, सुबह अगर किसी को यहाँ से भागना हो तो भाई भाग देना सीधा है यहीं पे हाईवे, बस पकड़ना एक बढ़िया सी और निकल जाना अपनी गश्त पे। भाई ये अभी भी कुछ कुछ लोग उठ रखे हैं, क्यों उठ रखे हो भाई, सो जाओ भाई क्यों उठ रखे हो। हमें अगर गाइस टॉयलेट करना होगा ना तो अंदर तो बहुत लोग सो रखे हैं तो हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहेंगे, तो हमने क्या निर्णय लिया है अगर किसी को टॉयलेट आएगी तो सीधे यहीं से नीचे है भाई साहब टेंट, टेंट के ऊपर से सुर करके ऐसे करके जाएगी, सो जाओ भाई यहाँ पे। ओके भाई गाइस मैंने जो है अभी अलार्म सेट कर दिया 3 बजे का, क्योंकि मैंने गूगल में सर्च मारा, मैंने कहा भूत का समय कितने बजे को होता है तो उसने बताया रात को 3 बजे का, तो अभी हो रहा है 12, 3 घंटे बाद हम फिर से उठेंगे तो देखते हैं भूत आता भी है कि नहीं आता, तो देखते हैं तो पता लग जाएगा झूठ है कि सच्चा है। तो मैं सोता हूँ और 3 बजे मिलकर 3 बजे उठ के मिलता हूँ आपसे। ओके गुड नाइट।